ये बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे ये वो करेंगे पूरे काम हम तो खेतों में खेतों में काम करें बड़े बड़े से बच्चे मारे इसमें स्कूल में जावेंगे कि डेढ़ मिनट करेंगे जी साधन मारे करनी है कोई बीमारी बच्चे मार पे नहीं रोटी बनाने वाला कोई आ नहीं हम पड़ोसी हुए तो रोटी बनवा के खाते हैं हर एक लाख के 80,000 की भी उसकी पी हूँ हमारे ये देखिए सुनाई जाइए बनवाने जाते हैं इनके कार्ड नहीं बनते जिनके बने हुए थे वो कार्ड काट दिए गए हैं ये बुजुर्ग औरतें हैं 80-80 साल की इनके देखिए क्या काम कर सकती हैं ये इनको इनकी इनकम दिखा के इनके राशन कार्ड काट दिए अभी गरीब आदमी कहाँ जाएगा क्या खाएगा आप ही बताइए अब ये जाते हैं कहीं ठीक करवाने के लिए इनकी कोई सुनवाई नहीं होती कहते हैं आपकी तो इनकम ज्यादा है जबकि हमारी गांव में बिना किसी सर्वे के ये इनकम सबकी दिखाई गई है बच्चों की जो बेड रिडन लेडीज हैं कहीं 10-10 साल से बेड पे पड़ी हैं जो बेचारी बीमार हैं 10 साल से उनके घर वाला कोई काम नहीं करता बेचारा सारा दिन उसी की सेवा में है उसी के सारा कार्य देखता है काम करता है सफाई करता है नहलाता है दिलाता है उनकी इनकम 2-2.5-3-3 लाख रुपए दिखा के उनके भी हर एक चीज काट दी गई है बीपीएल कार्ड काट दिए राशन कार्ड काट दिए किसी के बच्चों की इनकम दिखा के उसके राशन कार्ड काट दिए गए हैं किसी के किसी और का मीटर जोड़ के उसके राशन कार्ड काट दिए गए हैं जबकि इनमें बहुत ज्यादा धांधली हो रखी है और इसके ऊपर सरकार भी कोई एक्शन नहीं ले रही हमारे सीएम साहब भी घूम रहे हैं पूरे हरियाणा में भैया हमारी जो भी ग्रीवेंसीज हैं इनके लेकिन अब पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं हो रही सिर्फ जिस दिन सीएम साहब आते हैं जो भी अफसर हैं उस दिन वहां दिखा देते हैं जब हम कार्रवाई कर रहे हैं कोई अपनी फैमिली आईडी सबकी गलत बिना सर्वे की हुई है हम ये चाहते हैं कि दोबारा सर्वे हो और इनको जो इनका हक है दोबारा सर्वे हो के इनकी जो जायज इनकम है अगर ये काम करते हैं तो नहीं करते हैं तो इनको इनका हक मिलना चाहिए जिसका राशन कार्ड बनता है राशन कार्ड बनाना चाहिए बीपीएल कार्ड बनता है बीपीएल कार्ड बनाना चाहिए विधवा पेंशन है तो विधवाओं को पेंशन मिलनी चाहिए तो मैं गांव से सटोंडी गांव से कोई आया था आपके वहाँ सर्वे करने फैमिली आईडी के लिए कोई सर्वे नहीं आया पूरा गांव खड़ा आप किसी से पूछ लीजिए किसी के घर अगर कोई सर्वे करने आया हो तो ये कहते हैं कि सर्वे अपने आप कर देते हैं मेरी इनकम का दूसरे आदमी को क्या कौन बताएगा कि मैं क्या कमाता हूँ मैं तो मैं ही बताऊंगा और ये कहते हैं कि अपना दूसरा ही बताएगा दूसरा कैसे बताएगा मैं तो दूसरे की ज्यादा बताऊंगा भी ज्यादा कमाते हैं कम करना मैं कैसे बता सकता हूँ तो इन्होंने अपने आप ही कोई गांव में नहीं गया इन्होंने सिर्फ घर बैठ के ऑफिस में बैठ के अपने ये सारी इनकम चढ़ाई हुई है जबरदस्ती इनको अपने इनका जो हक बनता है उससे वंचित किया जा रहा है हमारी सरकार से सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जो गरीब आदमी है इलेक्शन आने वाले हैं इनके गरीबी को ध्यान में रखते हुए आगे इन्हीं वोटें देनी है इनका ध्यान रखते हुए इनका जो अपना जो भी राशन कार्ड बनता है जो इनका गरीब आदमी है तो इनको इन तक पहुंचाया जाए आप यहां पहुंचे हैं जिला सचिवालय डीसी साहब तक जाएंगे कुछ जानकारी देंगे उनको डीसी साहब से मिले थे अच्छा, उसके बाद हमें डीसी साहब से मिले हैं अभी तो उन्होंने कल का टाइम दिया हमें कल के हमारे गांव में किसी को भेजेंगे वो और वो तो कहते हैं कि दोबारा सर्वे होगा लेकिन उसके बाद देखते हैं सर्वे का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा या वो भी इनको सिर्फ गोली देने वाला काम होगा ठीक है ना उधर रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा इनको इनका हक मिलेगा नहीं मिलेगा तो बिल्कुल।